Assalamualaikum, welcome back. So last lecture में हम लोगों ने किया था inhibition, enzymes inhibition. वहाँ पर मैंने reversible, irreversible, competitive, non-competitive सारी inhibitions समझाई, but मैं feedback inhibition वहाँ पर cover करना भूल गई. So कोई नहीं, start करते हैं इस lecture में, देखते हैं feedback inhibition क्या होती है. The production of enzymes, hormones and other products should be in limits to maintain homeostatic conditions. तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल आता है कि homeostatic conditions क्या होती हैं. Homeostatic conditions का मतलब ये है कि आपके body के अंदर आपके जो systems हैं, आपका regulatory system, आपके जितने भी regulatory systems हैं, for example आपका circulatory system, आपका respiratory system, आपका excretory system, या आपकी body का temperature, आपकी body की pH range, जो भी आपकी body की systems हैं या जो भी आपकी body के parameters हैं, वो सारे maintain रहें, optimal range में रहें, जितना उन्हें होना चाहिए according to preset limits. पहले से लिमिट्स सेट होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिमिट सेट है कि आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इतना होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आपको फीवर होगा. ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल मैं बार बार इसलिए देती हूँ क्योंकि ये इजीली सबको समझ में आ जाती है. सो अगर उससे ज़्यादा एलिवेट करेगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर, बढ़ेगा तो आपको फीवर होगा. ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक सेट पॉइंट उसका आपको दे दिया गया कि इतना ही होना चाहिए नॉर्मली, या उसकी रेंज दे दी जाती है कि इतने से इतने तक के नॉर्मली होता है. ऑब्जर्व कर उसकी एक रेंज आप लोगों को बता दी गई है. ठीक है, जो कि प्री सेट लिमिट है. तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर उसी प्री सेट लिमिट के अकॉर्डिंग ऑप्टिमल कंडीशन में है, ऑप्टिमल रेंज में है, तो मतलब आपकी बॉडी में टेम्परेचर जो है वो होम्योस्टेटिक कंडीशन में है. तो आपकी पूरी बॉडी होम्योस्टेटिक कंडीशन में होने का मतलब है कि आपके तमाम सिस्टम्स, आपकी बॉडी के इंटरनल तमाम पैरामीटर्स, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारे ऑप्टिमल कंडीशन पर हों अकॉर्डिंग टू प्रीसेट लिमिट्स. वो कंडीशन कहलाती है होम्योस्टेटिक कंडीशन. तो फीडबैक इनहिबिशन में क्या होता है, आपके एंजाइम्स की, आपके हार्मोन्स की, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन हमारे एंजाइम्स का, हमारे हार्मोन्स का मोहताज है. एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के हर फंक्शन को स्टार्ट करवा रही है, रेगुलेट करवा रही है, कंट्रोल करवा रही है. तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं हमारी बॉडी के किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. तो हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, या जितने भी और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक लिमिट में प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि होम्योस्टेटिक कंडीशन को मेंटेन किया जा सके. अब उनको लिमिट में क्यों प्रोड्यूस होना चाहिए? लिमिट में उन्हें इसलिए प्रोड्यूस होना चाहिए क्योंकि अगर वो लिमिट से कम प्रोड्यूस होंगे तो हमें उन चीज़ों की, जो चीज़ें लिमिट से कम प्रोड्यूस होंगी, हमें उनकी डेफिशिएंसी होगी. हमें उनकी डेफिशिएंसी होगी तो कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा, कोई ना कोई डिजीज़ होगी. और अगर वो लिमिट से ज़्यादा होंगे तो भी वो चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह होंगी. कहते हैं ना कि हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है. अगर कोई भी चीज़ आप लिमिट से ज़्यादा लोगे, इवन आप कोई चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो भी वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है. तो हर चीज़ का लिमिट में रहना ज़रूरी है. तो आपकी बॉडी में जितने भी फीडबैक इनहिबिशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, या जितने भी और रेगुलेटरी पैरामीटर्स हैं आपके, वो सारे एक लिमिट अमाउंट में प्रोड्यूस होने चाहिए ताकि आपकी बॉडी में होम्योस्टेटिक कंडीशन मेंटेन रहे. जाहिर है जब सारी चीज़ें इन लिमिट प्रोड्यूस होंगी, ना कम ना ज़्यादा, तो होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा हमेशा, क्योंकि होम्योस्टेसिस है ही ये चीज़ कि आपकी बॉडी की हर चीज़ अपनी लिमिट्स में होनी चाहिए, प्रीसेट रेंज में होनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्टिमल रेंज में होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए. द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट इन द बॉडी मे प्रूव फैटल. अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, कोई भी चीज़ अगर आपकी बॉडी में लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, तो वो आपके लिए फैटल होगी, नुकसानदेह होगी. द मैकेनिज्म थ्रू विच द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंट्रोल्ड इन द बॉडी इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म. सिंपल सी एग्जाम्पल है, फेसबुक सब यूज़ करते हैं, या आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपको डिफरेंट पेजेस जो है आपसे अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के फीडबैक्स मांग रहे होते हैं.
और फिर जो आपके रिव्यूज़ होते हैं, जो आपका फीडबैक होता है, फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस चला रहा है कोई पेज फेसबुक पर या इंस्टा पर, तो वो आप लोगों को जब अपने प्रोडक्ट सेल कर देते हैं फिर आपसे रिव्यूज़ मांगते हैं, फीडबैक मांगते हैं, ताकि वही फिर दूसरे कस्टमर्स को वो आपके उन्हीं रिव्यूज़ को फीडबैक्स को वो यूज़ कर सकें, ताकि दूसरे कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट की जो है अच्छाई दिखा सकें, अपने प्रोडक्ट की इफ़ेक्टिविटी दिखा सकें कि उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। तो फीडबैक नॉर्मल डेली लाइफ के यूजेज से मैं आप लोगों को एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। नॉर्मली तो आप लोगों को पता है कि फीडबैक होता क्या है, उसी तरीके से आपकी बॉडी में भी एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जब आपकी बॉडी में जब एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, आपके ग्लैंड्स जब एंजाइम्स हॉर्मोन्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोडक्शन इन चीज़ों की होती है आपकी बॉडी में, तो उसका भी एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि आया ये रेंज से, ये नीड से, ये ज़रूरत से कम तो नहीं है, या इनकी ओवर प्रोडक्शन तो नहीं हो रही है, जितना होना चाहिए ये उतनी है या नहीं, अगर कम है या ज़्यादा है जो भी है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है, फिर हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस में लाने के लिए, नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए उन चीज़ों के फीडबैक को ही यूज़ किया जाता है कि अगर कोई चीज़ कम है तो भाई हाँ फीडबैक आ गया, अब हमें उस चीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो जी ठीक है हमें इसकी प्रोडक्शन को कम करना है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स एंजाइम्स या दूसरे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए फीडबैक मैकेनिज्म होता है। सो ये यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट है। द मैकेनिज्म थ्रू विच द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंट्रोल्ड इन द बॉडी इज़ नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। कंट्रोल करने का मतलब वही है कि चेक करें कि कम प्रोड्यूस हो रहे तो ज़्यादा करें उसे, और अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे तो प्रोडक्शन को कम कर दें। ये कंट्रोल करना फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है हमारी बॉडी में। मैनी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर कैरीड आउट थ्रू द बायोकेमिकल पाथवेज। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स के जो कैटालाइटिक रिएक्शंस हैं, एंजाइम्स का काम क्या होता है, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। और मैंने कैटलिस्ट का मतलब वहाँ पर डिटेल में बताया था। कैटलिस्ट जो है वो नॉन लिविंग केमिकल्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवा रहे होते हैं, एक्टिवेट करवा रहे होते हैं, फास्टन अप करवा रहे होते हैं, वो कैटलिस्ट होते हैं। सो हमारे एंजाइम्स भी हमारी बॉडी में ऐसे कैटलिस्ट काम करते हैं, बट क्योंकि वो हमारी बॉडी में काम करते हैं इसलिए वो बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। सो अगर यहाँ पर कहीं पर कैटलिस्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है या कैटालाइसिस का वर्ड यूज़ हो रहा है तो मतलब वो एंजाइम के लिए यूज़ हो रहा है या एंजाइम के फंक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में होने वाले ऐसे तमाम रिएक्शंस जो एंजाइम्स की मदद से हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वो तमाम रिएक्शंस जो एंजाइम की मदद से हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, आर कैरीड आउट थ्रू द बायोकेमिकल पाथवेज। वो बायोकेमिकल पाथवेज के थ्रू हो रहे हैं, उन तमाम रिएक्शंस को बायोकेमिकल पाथवेज से गुजरना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अगर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो आई डोंट नो, अगर क्रैप साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी चीज़ें डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन, ये जितने भी रिएक्शंस हम लोग, चले डार्क और लाइट तो फिर भी रहने दें, क्रैप साइकिल नाम बहुत कॉमन है, सुना होगा क्रैप साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, तो ये सारे मैं पाथवेज की एग्जाम्पल दे रही हूँ। या सिंपल सा अगर हम लोगों का एक सिर्फ हार्मोन भी प्रोड्यूस होना है तो उसका भी एक स्पेसिफिक पूरा पाथवे होता है कि फलानी जगह पर हमारे फलाने ग्लैंड को ब्रेन का फलाना पार्ट ट्रिगर करेगा, एक्टिवेट करेगा, फिर वो फलाना हार्मोन रिलीज़ करेगा, फिर वो हार्मोन फलाना काम अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा। तो हर केमिकल रिएक्शन को जो हमारी बॉडी में होने वाला हर रिएक्शन, हर एक वो रिएक्शन जो एंजाइम की मदद से होता है, उसे लाजमी एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल पाथवे से गुजरना पड़ता है। यानी कि वो पूरा एक पाथवे से होकर रिएक्शन कंप्लीट होता है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कंप्लीट होता है। पाथवे का मतलब उसे एक स्पेसिफिक पाथवे को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि उसे स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक लाजमी वो जो तरतीब होती है स्टेप्स की, वो भी अरेंजमेंट भी बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले कुछ हो रहा है बाद में कुछ हो रहा है। पाथवे का मतलब होता ही है कि एक स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं जो लाइन से होने होते हैं, बिल्कुल लाइन से, वैसे ही पहला ये वाला स्टेप है उसका अगला ये वाला स्टेप है उसका अगला ये वाला स्टेप है, बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो रिएक्शन पूरे पाथवे को फॉलो करता है। फिर उसके बाद इन दीज पाथवेज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन बिकम्स द सब्सट्रेट फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। अब अगर कोई पाथवे ऐसा है जिसके अंदर 3-4 स्टेप्स हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये हमारे पास
ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, फिर इसके बाद ये हमारे पास सेकंड स्टेप होना है, फिर इसके बाद ये हमारे पास थर्ड स्टेप होना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आया है वो सेकंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट होगा ऑब्वियसली। फिर सेकंड स्टेप में उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। फिर अगर इसे आगे फर्दर प्रोसीड होना है इस पाथवे को, तो वो फिर इसके लिए रिएक्टेंट होगा। इस तरीके से ये पाथवे पूरा फॉलो होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन बिकम्स द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। जो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा वो नेक्स्ट रिएक्शन में जाकर समझे रिएक्टेंट बनेगा, यानी कि समझे सबस्ट्रेट बनेगा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट स्टेप था, फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप था, यहाँ से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ फर्स्ट स्टेप के कंप्लीट होने के बाद, फर्स्ट स्टेप में एक सबस्ट्रेट था, उसके ऊपर एक एंजाइम अटैच हुआ, उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाया। अब ये जो फर्स्ट स्टेप से प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट है ये सेकंड स्टेप के पास जाएगा। जब इसके ऊपर सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा तो ये प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेप से प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट सेकंड स्टेप के लिए दोबारा से सबस्ट्रेट बन जाएगा। अब यही प्रोडक्ट यहाँ पर एज अ सबस्ट्रेट काम करेगा, और ये सबस्ट्रेट के ऊपर फिर से आएगा एक एंजाइम, और फिर ये अगेन नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ अ पाथवे अ डिजायर्ड प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज्ड। और फिर चाहे आपके पाथवे में 3 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, या 2 ही स्टेप्स हैं, जितने भी स्टेप्स हैं आपके पाथवे में, उसके बाद जो आप एट द एंड ऑफ द पाथवे, जब पाथवे के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा जिसके लिए वो पूरा पाथवे फॉलो कर रहा होगा, वो आपको मिल जाएगा, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए। इन ऑर्डर टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, फिर अगर आपको उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है, उस प्रोडक्ट की अमाउंट को रेगुलेट करना है कि ये इतनी ही रेंज में प्रोड्यूस होना चाहिए, ना इससे कम प्रोड्यूस होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए, तो द बायोकेमिकल पाथवे नीड्स टू बी शट डाउन, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, जितना आपको चाहिए था उतना प्रोड्यूस हो चुका, उसके आगे और प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर आपका पाथवे क्या हो जाएगा, आपके पाथवे को ज़रूरत होगी कि वो वहीं पर रुक जाए। दिस इज़ डन थ्रू फीडबैक मैकेनिज़म। और जाहिर है आप अपने पाथवे को ख़ुद तो नहीं बोलोगे ना कि आप रुक जाओ, आपको तो पता भी नहीं है कि आपकी बॉडी में कौन से पाथवेज कब फॉलो हो रहे हैं, कौन से रिएक्शंस कब कंप्लीट हो रहे हैं। तो आपके पाथवे वो आपका पाथवे कैसे स्टॉप हुआ, कैसे शट डाउन हुआ, आपके फीडबैक मैकेनिज़म के थ्रू। क्योंकि फीडबैक मैकेनिज़म के थ्रू आपके ब्रेन को या आपकी बॉडी को ये पता चला कि अब इस चीज़ की ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, इस चीज़ की ओवर प्रोडक्शन हमारे लिए नुकसानदेह है, इसे ज़्यादा हमने प्रोड्यूस नहीं करना है, जितना प्रोड्यूस करना था, जितनी ज़रूरत थी उतना हो चुका। तो फिर उस फीडबैक मैकेनिज़म के थ्रू वो पाथवे स्टॉप कर दिया जाएगा, और आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की ओवर प्रोडक्शन नहीं होगी, कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये जो आपका फीडबैक सिस्टम है ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑब्वियसली इट्स नेचुरल। सो एग्जाम्पल, द अमाइनो एसिड एस्पिरेट चेंजेस इनटू थ्रियोनीन थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ 5 एंजाइमेटिक रिएक्शंस, ठीक है। एक आपके पास सबस्ट्रेट है अमाइनो एसिड एस्पिरेट, आपको उससे बनाना है थ्रियोनीन, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड एस्पिरेट थ्रियोनीन में टोटल 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन से होकर गुजरता है, यानी कि टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में पहला एंजाइम इसको कैटेलाइज करवाएगा, फिर दूसरे स्टेप में दूसरा एंजाइम इसको कैटेलाइज करवाएगा, फिर तीसरा एंजाइम, चौथा एंजाइम, पांच एंजाइम्स मिलकर इस पूरे पाथवे में टोटल 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, जिसके बाद जाकर आपका अमाइनो एसिड एस्पिरेट कन्वर्ट होगा थ्रियोनीन में। When threonine production becomes sufficient, और जब sufficient यानी कि enough यानी कि required यानी कि जितना आपको चाहिए था उतना threonine produce हो जाएगा, तो it starts accumulating on the elastic site of enzyme, तो फिर वो आपके enzyme के elastic site के ऊपर जाकर attach होने start हो जाएगा। ये आपका एंजाइम है, ये अगर उसकी एक्टिव साइट है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट को आकर अटैच होना है, तो इस एक्टिव साइट के अलावा जो बाकी की साइट है ये है आपकी इलास्ट्रिक साइट। जब थ्रियोनीन जितना प्रोड्यूस होना था उतना हो गया, तो ठीक है, जब तक कि जितना चाहिए था उतना होता रहेगा, तो वो जिस काम के लिए चाहिए था उस काम के लिए यूटिलाइज होता रहेगा। लेकिन जब उसके बाद एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो आपके अपने एंजाइम की इलास्ट्रिक साइट के ऊपर जाकर अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। दस चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट, तो फिर क्या होगा, आपके जो हम लोगों ने इसे पहले भी पढ़ा, अभी हम लोगों ने इनहिबिशन में ही पढ़ा था,
क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि एक टाइप इनहिबिशन की ऐसी भी होती है जिसके अंदर नॉन कॉम्पिटिटिव थी वो, जिसके अंदर आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो इनहिबिटर जो होता है आपका वो जाकर कहाँ पर अटैच हो जाता है, एलोस्ट्रिक साइट पर अटैच हो जाता है, और जब वो एलोस्ट्रिक साइट के ऊपर अटैच होता है तो वो इस एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देता है। जब एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है तो मज़ीद सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर अटैच नहीं हो पाता और मज़ीद रिएक्शन नहीं हो पाता। तो क्या होगा, ये आपके जब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लगेगा थ्रियोनिन तो फिर ये आपके इलेक्ट्रिक साइड के ऊपर जाकर जमा होता जाएगा। इलेक्ट्रिक साइड के ऊपर जमा होगा तो एक्टिव साइड की शेप को चेंज कर देगा। जब एक्टिव साइड की शेप चेंज हो जाएगी तो नया अमाइनो एसिड एस्पिरेट वहाँ पर आकर अटैच नहीं होगा, नया अमाइनो एसिड एस्पिरेट वहाँ पर अटैच नहीं होगा तो वो मज़ीद थ्रियोनिन में कन्वर्ट नहीं होगा। इस तरीके से ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये फीडबैक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू उसको खुद ब खुद पता चला कि हाँ जी सफिशियंट मोर देन सफिशियंट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है तो इसको स्टॉप करना है, और वो इस तरीके से उसकी प्रोडक्शन को ओवर प्रोडक्शन को स्टॉप करेगा। एज अ रिजल्ट थ्रियोनिन प्रोडक्शन स्टॉप्स, क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है, ये है एंजाइम वन, ये है उसकी एक्टिव साइड और ये है इसकी एलिस्ट्रिक साइड। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दी हुई है। ये एक्टिव साइट है जहाँ पर आपके सबस्ट्रेट को अटैच होना है। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड एस्पिरेट की हम लोग एग्जांपल पढ़ रहे हैं, अमाइनो एसिड एस्पिरेट ने इस साइट पर अटैच होना है। ओके, और ये उसकी एलिस्ट्रिक साइट है, यानी कि एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरी एक्स्ट्रा जो दूसरी पीछे वाली साइट है वो साइट है। ठीक है, अच्छा जी, अमाइनो एसिड एस्पिरेट ये रहा, ये आकर अटैच हुआ इस एक्टिव साइट के ऊपर। ठीक है जी, उससे आपकी प्रोडक्शन हो रही है थ्रियोनिन की, थ्रियोनिन की प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन जब अच्छा आप लोग ये भी देखें कि थ्रियोनिन की प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर टोटल कितने स्टेप्स हो रहे हैं, थ्रियोनिन की प्रोडक्शन के लिए टोटल 5 एंजाइमेटिक स्टेप्स हो रहे हैं, एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, एंजाइम 4, एंजाइम 5, और बीच में ए बी सी डी, ये ए जो पहले एंजाइम के बाद प्रोडक्ट है वो अब दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट होगा, फिर ये बी जो दूसरे एंजाइम का प्रोडक्ट है ये तीसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट होगा। इस तरीके से टोटल 5 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद जब ये टोटल स्टेप्स कंप्लीट हो गए तो आपको मिला थ्रियोनिन अमाइनो एसिड, आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। लेकिन जब ये जितना चाहिए था उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा तो फिर ये जाएगा फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा, फीडबैक इनहिबिशन स्टार्ट करेगा और जाकर इलेक्ट्रिक साइट के ऊपर अटैच होगा, जिसकी वजह से एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी, मज़ीद एस्पिरेट अटैच नहीं हो पाएगा, मज़ीद थ्रियोनिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और थ्रियोनिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने इनहिबिशन वाले लास्ट लेक्चर में बोला था कि इनहिबिशन हर चीज़ हमारी बॉडी में किसी न किसी मकसद के तहत होती है, कहीं कहीं पर इनहिबिशन हद से ज़्यादा इनहिबिशन हमारे लिए नुकसानदेह भी हो जाती है, लेकिन इनहिबिशन का मतलब सिर्फ बुरा नहीं है, इनहिबिशन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ ली फीडबैक इनहिबिशन की, कि किस तरीके से हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को हमारी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए, हमारी बॉडी को होम्योस्टेटिक कंडीशन में रखने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो हर चीज़ की ओवर प्रोडक्शन होगी और जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होगी। तो अगर फीडबैक मैकेनिज्म में कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछें, वरना फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।